बेसिकली एक 56 इयर्स मेल पेशेंट थे जिनकी लेफ़्ट किडनी में 3 स्टोन थे तकरीबन 1.5 से लेकर 2 सेंटीमीटर तक के, और हमने इसको PCNL के ज़रिए निकाला है। अब PCNL के ज़रिए आपने जैसे देखा है कि एक बिल्कुल एक स्मॉल होल जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 8 मिलीमीटर का था, उसके ज़रिए हमने ये सारे 3 स्टोन निकाल लिए। इसका फ़ायदा यह है कि ये आज आपने किया है तो कल ये मरीज़ घर चला जाएगा। ओपन सर्जरी है, फॉर स्टोन लेस देन 1% केसेस में इस्तेमाल होती है। तो हमने ये एक PCNL फॉर्म जो है, पहले हमने बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल में काफ़ी हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हमने काम किया था, अब हमने दोबारा यहाँ पे इस्लामाबाद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज अकबर नियाजी टीचिंग हॉस्पिटल में ये PCNL हमारा फॉर्म जो है ये ऑनगोइंग फॉर्म है, और बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिवनेस और बिल्कुल मिनिमम जो है ना कास्ट पे ये हम फॉर्म जो है ना PCNL कर रहे हैं, जस्ट टू कास्ट। और इसके ज़रिए ये है कि बड़े से बड़े स्टोन जो है ना हम एक बिल्कुल छोटा सा एक होल 8 मिलीमीटर के ज़रिए हम निकाल लेते हैं। प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये है कि हमारे यहाँ यूरोलिथियासिस या जो स्टोन का प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, 20% इसका प्रेवलेंस है, यानी 20% लोगों में, यंग लोगों में 80% से ज़्यादा जो अपना मरीज़ हैं मर्द या औरतें वो 40 साल से नीचे हैं, यानी यंग पॉपुलेशन इसमें ड्यू टू सर्टन रीज़न। एक मेन रीज़न ये है कि हम पार्ट ऑफ स्टोन बेल्ट का जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी और पसीना आता है जिसकी वजह से, और ये ज़्यादातर जिनमें बड़े स्टोन होते हैं वो गरीब लोग होते हैं, और ये गुर्बत उनको जो है डिफरेंट फैक्टर्स, अफोर्डेबिलिटी उनकी नहीं है, इकानमी अच्छी नहीं है, नेगलिजेंस है, उनको अवेयरनेस नहीं है, तो वो स्टोन अपना जो है ना वो उनमें बनता रहता है, एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि बहुत बड़ा स्टोन बन जाता है। और ये हमारे यहाँ कॉमनेस्ट काज है रीनल फेलियर का, हमारे तकरीबन 20% लोग जो हैं स्टोन के साथ उनमें रीनल फेलियर, यानी उन दोनों गुर्दे जो है जब अफेक्ट हो जाते हैं तो वो रीनल फेलियर हो जाता है, और ये कॉमनेस्ट काज है, एक गुर्दा काम यानी टोटली नॉन फंक्शनिंग हो जाता है। और हमारे यहाँ गुर्दा निकालने की जो सबसे बड़ी वजह है वो नॉन फंक्शनिंग किडनी ड्यू टू द स्टोन है। तो हमने ये काम जो है मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी का इन द फॉर्म ऑफ PCNL, बड़ा ये चैलेंजिंग काम है, और ये बड़े से बड़ा स्टोन इससे एक छोटे से मशीन से निकाला जा सकता है। और हम तमाम लोगों से जिनको भी स्टोन है उनसे रिक्वेस्ट है कि हम यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ और हम उनको अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेंगे बहुत ही अफोर्डेबल कास्ट और मिनिमम कास्ट पे, और जो लोग बिल्कुल नॉन अफोर्डेबल होंगे उनकी भी हम इंशाल्लाह किसी ना किसी तरीके से हेल्प करेंगे।